आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। एसटीटी के छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर हैं और एक बार फिर से पुलिस के द्वारा इन पर लाठियां बरसाई गई है। और छात्र का एक साफ तौर पर कहना है कि जो मेरी क्लिप में हम छात्रों से ही बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ हुआ है सर? हम लोग कल भी पीएससीबी कार्यालय गए थे आनंद किशोर जी से मिलने, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी की बातों से स्पष्ट जाहिर है कि आनंद किशोर जी उनकी बात नहीं मानते। और जो शिक्षा मंत्री जी अपर सचिव ने कहा था कि मेरिट नॉट मेरिट पीएससीबी की गलती है, उस गलती को लगातार ढोया जा रहा है। तो यही सवाल लेकर हम शिक्षा मंत्री जी के पास गए। शिक्षा मंत्री जी की बातों से स्पष्ट जाहिर हुआ कि आनंद किशोर जी उनकी बात नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे। इस सवाल को लेकर हम लोग सब पीएससीबी कार्यालय आनंद किशोर जी के पास मिलने गए। वहां जब हम लोग मिलने गए तो वहां भी आनंद किशोर जी उपलब्ध नहीं थे और हमसे नहीं मिले। बाद में पुलिस बुलवा ली गई, हम पे लाठीचार्ज करवाया गया, हम सब ने फिर उस पर सामूहिक गिरफ्तारी दी। कल पूरे दिन कोतवाली थाने में हम लोग बंद रहे। बंद रहने के बाद वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने कोशिश भी की कि आनंद किशोर जी से मिलवा दी जाए, लेकिन आनंद किशोर जी से हमें नहीं मिलवाया दिया गया, क्योंकि आनंद किशोर जी मिलने को तैयार नहीं थे। बीएसईबी कार्यालय में ये बताया जाता है कि ये वहां जाते ही नहीं है, इसलिए लास्ट में हम लोग सचिवालय में आए, क्योंकि वो यहां आते हैं हम लोग यहां मिलेंगे। हम लोग यहां आए शांतिपूर्वक उनसे मिलने की कोशिश की, यहां भी हमें उनसे नहीं मिलने दिया गया। पहले हमें सचिवालय से बाहर निकाल दिया गया बलपूर्वक लाठी चार्ज करते हुए, जिसमें महिलाएं और दिव्यांग अभ्यर्थी भी थे उन पे भी लाठी चार्ज किया गया, सबको बाहर निकाला गया। फिर हम लोग बाहर गेट पे बैठे हुए थे, वहां भी इन लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि इनकी जो अपनी एक बनाई हुई सुशासन की प्रतिमा है वो ध्वस्त हो रही थी, इसलिए इन्होंने हमें वहां से भी बलपूर्वक लाठी चार्ज करते हुए महिलाओं और अभ्यर्थी सबके हमारे जो 21 जून का जो भ्रष्टाचार युक्त रिजल्ट था स्टेट में, जिसके खिलाफ छात्र आए थे, सरकार 21 जून को फिर 26 जून को जो लेटर निकाली कि नहीं सबको देंगे, सब क्वालिफाइड होंगे, उसके फिर अपने ही लेटर के खिलाफ जा करके फिर वही भ्रष्टाचार युक्त रिजल्ट सरकार ने प्रस्तुत किया है, मेरिट और नॉन मेरिट करके उस भ्रष्टाचारी जो लोगों को घुसाया है पैसा लेके, उन्हीं के साथ फिर उसी तरह का रिजल्ट दिया गया है, उसी के साथ आ गई है सरकार अपने लेटर के खिलाफ जाके। इसलिए हम मांग लेकर के रोड पे आए हैं, सरकार अपने वादे पे कायम नहीं है। रोड पर आ रहे हैं तो लाठियां बरसाई जा रही है, क्या आप लोग कल से विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, क्या आप लोग वहां भी? सर, विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, लाठियां बरसाई जा रही है, पूरा देश साक्ष्य गवाह है कि इसी बिहार में विधानसभा में विधायकों को भी पीटा जाता है और हम लोग असहाय अभ्यर्थियों के साथ भ्रष्टाचार खुलेआम किया जाता है। 26 जून का लेटर अपने आप भ्रष्टाचार को सरकार स्वीकार भी करती है और फिर मामला शांत होते देख फिर वही करती है, भ्रष्टाचार के साथ करती है। यह मनमानी करने वाली सरकार है। सर, हमारे दो अभ्यर्थी अभी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग जहाँ तक जानते होंगे तो देखे होंगे। बंटे जी और एक इस चलते सर हम लोगों को सर कोई मदद करने वाला नहीं, चुनाव आएगा तो हम लोग असली ताकत अपना दिखाएंगे, उनकी औकात बता देंगे, समझे ना? वोट बिहार से लेते हैं, हम लोग को मारते हैं रोड पर, यही सबसे ज्यादा रंगदार है। अरे अपनी कम से कम अपनी औकात को झांक करके देखो कि हम बनाए हैं तुमको, तुम हमको नहीं, हमने परीक्षा दिया तब पास किया है, तुम्हारे जैसा ये नहीं है कि नन मैट्रिक है, जीरो है तभी हम अच्छी हो गए नेता बन गए, हमने एसटीटी क्वालिफाइड किया तब तुमसे मांग रहे हैं, नहीं कि तुमसे भीख नहीं मांग रहे हैं। और जहां रही बात हम लोगों की, तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, हम लोग सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे। देखिए लगातार छात्रों का कहना है कि जो हमने है परीक्षा को पास किया है तब जाकर के हम आए हैं और हमारी मांगे जायज है, कहीं ना कहीं हमने परीक्षा को पास किया है जब हम अपनी मांग को लेकर के सड़कों पर हैं। लगातार जो छात्र हैं वो सड़कों पर आप देख सकते हैं, भारी संख्या में सड़कों पर छात्र पहुंचे हुए हैं। सचिवालय थाना का यह नजारा है यहाँ पर, और छात्रों पर लाठियां बरसाई गई है। लगातार छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना कर रहे थे, पहले उन्होंने सचिवालय पहुंचने का काम किया लेकिन वहां पर से उन्हें बलपूर्वक निकाला गया है और लगातार लाठियां बरसाई गई थी छात्रों के ऊपर, जिसके बाद ये लोग अभी सचिवालय थाना के पास मौजूद है। देखिए लगातार जो है जिस प्रकार से छात्र अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर आए हुए हैं, कहीं ना कहीं विरोध दिखा रहे हैं कि हमारी मांग जो है उसको पूरा किया जाए, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह होगी कि अब आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।